हरिओम 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 हरिओम। मामा क्या है? लाली मौसी कहाँ है? वो क्या सामने बैठी हुई है? मामा ये मौसी अखबार की पूजा क्यों कर रही है? बेवकूफ, वो अखबार की पूजा नहीं कर रही है, वो स्वामी झटपटानंद के हाथ से लिखे हुए कॉलम झटपट भविष्यवाणी की पूजा कर रही है। उनका कहना है उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, हजार बार आजमा चुकी है। हाँ लेकिन मामा लाली मौसी सुबह की अखबार शाम 5 बजे क्यों पढ़ रही है? ओहो, सुबह से बाहर गई हुई थी, अब भी आई है। चुप हो जा। क्या हुआ लाली? मौसी 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 क्या हुआ मौसी? भूल। क्या हुआ? मेरी किस्मत का हाल लिखते हुए स्वामी झटपटानंद जी ने लिखा है कि वैसे तो ये सप्ताह अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन अगर आज सूरज डूबने से पहले मैंने किसी के साथ झगड़ा ना किया तो मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, यहाँ तक कि मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तुम्हें क्या हुआ मामा? क्यों किया? इसलिए कि तुम्हारे स्वर्गवासी डैडी की राशि भी यही है, कहीं वहाँ उनकी मौत हो गई तो। अरे मामा डैडी की बात छोड़ो, अभी मौसी की बात सोचो। मौसी और क्या, एक तो 5:15 हो गए और सूरज डूबने का समय 6:10। यानी 55 मिनट के अंदर मौसी का झगड़ा होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, नहीं तो मैं तो काम से गई। तुम्हारा समय, तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है बालिके। बालिके? अरे खुश होने की क्या बात है, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। अरे भाई तुम हो कौन? यम है हम। अच्छा? हम है यम। अच्छा? पृथ्वीवासी मुझे यमराज के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, पुकारते हैं। नहीं पुकारते नहीं है, मनुष्य जब मेरे बारे में सोचता है तो उसके अंदर रक्त का प्रवाह, रक्त का संचार बंद हो जाता है। यमराज हूँ मैं। अच्छा यम जी, लेकिन तुमने बेवकूफ जैसे कपड़े क्यों पहने? मूर्ख बालिके, बालिके तुमने मुझे बेवकूफ कहा। अब झगड़ा करोगे कि नहीं? झगड़ा करने का समय नहीं है, अभी तुम्हें खत्म करने आए हैं। चलो चलो तुम स्वर्ग चलो। नहीं नहीं, तुमने बहुत पाप किया है, तुम्हें नरक चलना होगा। चलो नहीं, चलो नहीं, चलो नहीं, चलो नहीं अम्जी, नहीं अम्जी। अरे लाली ये यमजी कौन है? अरे लाली इसमें रोने की क्या बात है, तुम मुझसे झगड़ा कर ले, बांके से झगड़ा कर ले। नहीं नहीं, मैंने अगर तुम लोगों से झगड़ा किया तो वो झगड़ा नहीं, झगड़े का नाटक होगा। और आने वाली मुसीबत से बचने के लिए ना झगड़ा जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि असली झगड़ा होना चाहिए। मामा मौसी ठीक कह रही है, झगड़ा तो इंसान से ही करना पड़ेगा जो कि पलट कर जवाब तो दे। तो हम लोग क्या दोनों हैवान हैं? तो चुप कर लाली, जल्दी से सोच। ये वो जो यमजी कह रही थी उससे झगड़ा कर देना। नहीं नहीं नहीं, उससे तो झगड़ा कर ही नहीं सकती। मैंने सोच लिया फूल, मैंने सोच लिया। कौन? अरे लाली मौसी आप कैसी है बताओ? हाँ त्रिलोकी, क्या हुआ त्रिलोकी? मैंने तेरे त्रिलोकी को थप्पड़ मारा है, अब कर ले जो करना है। थप्पड़ मारा है? ठीक है। अरे लाली मौसी आपने तो कमाल कर दिया। कमाल हो गया? हाँ, ये देखिए ये दांत मुझे पिछले 3 दिन से परेशान कर रहा था, मैं इसे निकलवाने के लिए आज डेंटिस्ट के पास जाने ही वाला था, आपने मुझे मुफ्त में निकाल दिया। थैंक यू लाली मौसी, थैंक यू। थैंक यू लाली मौसी, आपने हमारे पूरे 500 रुपए बचा दिए। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आइए 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 मौसी। मैंने
लौंग इलायची वाली चाप लाती है। लौंग इलायची मेरे 500 रुपए बचा दिए। चाय बनाती है। अरे तू यहाँ कहाँ बैठ गई? चाय कौन बनाएगा? तू चन्नो लाली मौसी, आपको कैसे पता चला कि मेरा दांत एक्चुअली? अरे छोड़ा तेरे दांत को, मैं उसे उखाड़ने थोड़ी आई थी। मैं इसलिए आई थी कि तू मुझे झगड़ा करे, लड़े। झगड़ा मैं करूं क्यों? क्योंकि अगर 6:15 तक मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया ना, तो मैं क्या? मैं ओह माय गॉड, ये ऐसा आपसे किसने कहा? कहा नहीं, लिखा है। कहाँ लिखा है? आज के पेपर में। वो है ना, स्वामी झटपटानंद जी ने लिखा है अपने झटपट भविष्यवाणी में कि अगर मैंने 6:15 तक इसे झगड़ा नहीं किया तो मैं। ओह माय गॉड, झटपटानंद जी ने लिखा है? मतलब 100%। आपकी राशि क्या है? मेरी राशि तुला तुला मला मला का है? अरे तुला राशि, तुला तुला राशि लिब्रा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, क्या माय गॉड था? नहीं, यही राशि मेरी उर्मी की है। अब मैं उसे कैसे इन्फॉर्म करूं कि तू उर्मी की पड़ी है? मेरे जान के लाले, आई कैन डाई ऑन 6:15, मैं मरने वाली हूं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं हो सकती। एक काम करते, कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। चलो चलो लाली मौसी, काम कीजिए। क्या करूं? ये चन्नो चाय का ट्रे लेकर आएगी ना? आएगी। तो वो टी शर्ट जो उसके हाथ में होगा, वो टी शर्ट उसे मेरी नहीं, मेरी नहीं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। आप उसे तोड़ दीजिए। तो झगड़ा करेगी? बहुत झगड़ा करेगी, पक्का करेगी। गारंटी, यस। चन्नो चन्नो, चाय कहाँ है? चाय जल्दी ला। चाय लाई मासी, जल्दी ला वरना यहाँ हो जाएगा। जाओ मासी, जा पियो। टूट गया टी सेट तुम्हारा प्यारा। झगड़ा कर, करना झगड़ा करना। अरे कर। मैं नहीं फोन। अरे अरे झगड़ा कर, झगड़ा करके जा। नहीं नहीं, झगड़ा करके जा। ये क्या हुआ? हमारी कहानी में ट्विस्ट आ गया। हेलो, क्या हुआ मम्मी? क्या जीत गए? चंडीगढ़ वाली हवेली हमें मिल गई। देख भाई मम्मी, दादी ठीक ही कहती थी भाई, जब भी कोई प्यारी चीज टूटती है ना कोई खुश खबरी मिलती है। अभी अभी ना लाली मासी ने मेरा प्यारा टी शर्ट तोड़ दिया। हाँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ ना। अच्छा मम्मी, टाटा सी जू। लाली मासी कहाँ चली गई? चलो कोई बात नहीं, मुकदमा जीत गए। बोलो तारा रारा, क्या होना चाहिए? हसीना थिंक थिंक। हसीना, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तेरी हड्डी फसनी एक कर दूंगी। वाओ वाओ लवली आंटी, वाओ यू आर ग्रेट। अरे मैं तुझे दे रही हूँ गालियां और तू बजा रही है तालियां। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आंटी तबीयत तो आपने मेरी ठीक कर दी, मुझे मेरी फिल्म के लिए टाइटल्स देकर। फिल्म के टाइटल? यस आंटी, वो क्या है ना कि मुझे एक फिल्म मिली है, उसका सब्जेक्ट है रिवेंज पर, यानी कि बदला। अब स्क्रिप्ट तैयार है लेकिन टाइटल्स नहीं मिल रहे थे और आपने एक पर छोड़कर तीन तीन टाइटल्स दे दिए मुझे। वाओ, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तेरा खून पी जाऊंगी, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ग्रेट आंटी, ग्रेट, यू आर ग्रेट। मैं भी प्रोड्यूसर को फोन करती हूँ, ओके? सब मेरे दुश्मन हैं। क्या करूँ, किससे करूँ झगड़ा? राष्ट्रीय मिल गया बकरा, इससे हो सकता है मेरा झगड़ा। लेकिन कैसे करूँ झगड़ा, क्या करूँ, क्या कहूँ? आइडिया, मेरे 2000 रुपए। वॉचमैन के बच्चे। और लाली मौसी, आपको पता अभी तक मैं कुंवारा हूँ, अकेला हूँ, बैचलर हूँ, बीमार हूँ, बीवी है नहीं, बच्चे कहाँ से आ गए? बकवास मत कर, सीधी तरह मेरे 2000 रुपए निकाल जो तूने मुझसे कर्ज लिए थे। वो 2000 रुपए तो ओए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे बस आज ही मेरे पैसे चाहिए, अभी एडवांस तुरंत। लेकिन मौसी मेरी बात तो सुन। कोई बात नहीं सुनने वाली तेरी मैं। अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए ना,
तो मैं दफा 420 के तहत तुझ पर मुकदमा चलाऊंगी। मैं तो सिविल कोर्ट जाऊंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, टेनिस कोर्ट जाऊंगी, बैडमिंटन कोर्ट जाऊंगी। नहीं, मैं तो तुझे ना पुलिस से पिटवाऊंगी। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, व्हाट, एक मिनट। ये रहे आपके 2000 रुपए, मैंने आपको वापस देने के लिए रखे थे, पर आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही। लो ना मौसी, तू मुझे वापस कर रहा है? कैसा इडियट है, आज की दुनिया में कोई पैसा लेकर देता है क्या वापस? कमाल है, लोग उधार के पैसे वापस मिलने पर शाबाशी देते हैं, ये गाली देके जा रही है। पाके भैया, क्या ये लाली मौसी को क्या हो गया? मैं बताता हूँ, तुमको जानते हो कि लाली मौसी स्वामी झटपटानंद की भविष्यवाणी के ऊपर बहुत विश्वास करती है। हाँ, लेकिन फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, उनके आज के राशिफल में लिखा है कि राहु का केतु से झगड़ा हो गया, सुन का मंगल से लफड़ा हो गया, और जो बुध है वो गुरु की पार्टी छोड़कर सीधा शुक्र की पार्टी में चला गया, और शनि ने रवि की कुर्सी पलट दी। छी 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 छी, इन ग्रहों में भी डल्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। लेकिन लेकिन लाली मौसी क्यों परेशान है? वो इसलिए परेशान है कि उनके राशि फल के हिसाब से अगर वो आज शाम 6 बजे तक किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगी ना, तो वो सीधा स्वर्ग पहुंच जाएंगी। बेचारी झगड़ा करने के लिए दर दर भटक रही है, मैं चलता हूँ उसकी मदद करने के लिए, तुम ही उसी के साथ झगड़ा कर लेते। बाके भैया, लगता आज मेरे ही ग्रह खराब है। हाय हाय हाय, शराफत की तो बस हद ही हो गई बांके। दुनिया में कितने सारे झगड़े होते हैं, प्लेन क्रैश होते हैं, ट्रेन आपस में टकराते हैं, नेता आपस में स्कैम करवाते हैं, क्या कुछ नहीं होता है, फसाद होते हैं, अरे साथ में खेल कूद करने वाले क्रिकेटर्स आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन आज मुझसे कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? घबराओ मत मौसी, घबराओ मत, मैं आपकी ढेर सारी मदद करूंगा। ढेर सारी मदद करोगे? हाँ। बांके, वो देख। देख लिया मौसी, अब क्या करें? अब तू ऐसा कर कि उस इंस्पेक्टर के साथ मेरा झगड़ा करा दे। झगड़ा? झगड़ा, मगर वो इंस्पेक्टर है बहुत तगड़ा, मौसी तोड़ देगा मेरा झगड़ा। लानत, लानत है बाके तेरी मर्दानगी पे, तो लानत है, मैं निपटे, तू जा। ठहरो मौसी, आज तुमने मेरी मर्दानगी को ललकारा है, अब मैं उस इंस्पेक्टर को ललकारता हूँ। तुझे सोचने की क्या बात है? अबे ओए इंस्पेक्टर के बच्चे, इधर आ। अब आपके डायलॉग बोलने की बारी है, प्लीज बोलो। हाँ, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं? तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? नहीं। ये कोई वक्त है तुम्हारे आने का? आप है कौन? तू बोल, तेरी बारी, अब तेरी बारी। मौसी, समय बहुत कम है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उल्लू की तुम, शाबाश, गले का सीन, एक तो लेट आता है और ऊपर से पूछता कि हम आपके हैं कौन, वर्दी उतरवा दूंगा। साहब ऐसा मत कीजिए, अगर आप मेरी वर्दी उतार ली तो मुझे पुलिस का रोल कौन देगा? पुलिस के रोल? हाँ, बाजू में शूटिंग चल रही है, मैं ऑडिशन देने आया था, मेरा टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। सॉरी सॉरी मौसी, रॉन्ग नंबर लग गया, अब क्या करें? अरे कुछ करने के लिए टाइम कहाँ बचा है? तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, कुछ नहीं समझता, जा यहाँ से। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा, झगड़ा हो गया हो तो झगड़ा, नहीं तो जल्दी बता तुम्हारा झगड़ा किसी से हुआ कि नहीं हुआ? बोल क्या बताऊं, मेरी लाख कोशिश करने पर, इतनी मेहनत करने पर कोई बेवकूफ मुझसे झगड़ा ही नहीं कर रहा है, अब बस 15 मिनट बचे हैं, उसके बाद मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी ना। अच्छा है, ऊपर जाओ ना, तो एक काम करना, जीजा जी का झगड़ा जरूर किसी से करवा देना। स्वर्गवासी जीजा जी की फिक्र है और मैं जो यहाँ जिंदा हूँ, थोड़ी देर में होने वाली हूँ, मेरी फिक्र नहीं है। प्लीज जाओ, प्लीज जाओ, प्लीज जाओ। जाती हूँ, जाती हूँ। बहुत गुस्सा हो गई, ऐसी दुनिया आई है, मेरी किसी को फिक्र नहीं है, मैं क्या करूँ, क्यों? कामिनी, आइडिया वाली कामिनी, कामिनी पकड़ती हूँ, कामिनी, 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 तुमसे पहले किसी ने बताया कि तुम एकदम ग्रेट हो, सुपर फाइन हो, सुपर वुमन हो? वो तो मैं हूँ, लेकिन ये बात आपको इतनी देर से पता चली? बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, 12 मिनट। एक काम करो कामिनी, मुझे जरा झगड़ा कर लो, जल्दी से कर लो, जल्दी से कर लो। लेकिन मैं आपसे झगड़ा क्यों करूँ? क्यों करूँ? अब रीजन बताने का भी टाइम नहीं मेरे पास, नहीं है मेरे पास, बस तुम झगड़ा कर लो मुझसे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे झगड़ा नहीं कर सकती सर। नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती, तो ऐसा करो मेरा झगड़ा किसी से करा दो। हां, चल तुम दे किसी को, मेरा झगड़ा करा दो किसी के साथ। मुझे लगता है आप ना पागल हो। नहीं नहीं नहीं, पागल नहीं हुई हूं मैं, क्या बताऊं, आप एक काम कीजिए,
आराम से बैठिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। पानी नहीं चाहिए मुझे, झगड़ा चाहिए, झगड़ा झगड़ा कर मेरे साथ। सूर्य अस्त होने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, देखो मेरे उनका क्या होगा। मामा, मामा जब पापा जिंदा थे आपने कभी भी उनको चैन से नहीं जीने दिया। वो तो है, अब पापा स्वर्ग में, आप तो उन्हें चैन से जीने दो। मामा, मामा आप छोड़ो इन बातों को, इस वक्त हमें लाली मौसी के बारे में सोचना चाहिए, हमें लाली मौसी की मदद करनी चाहिए। मामा पर कैसे कैसे? क्या काम है? हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, पर उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। ओ आंटी, उन्होंने हमारा कितना फायदा किया है। वो बहुत अच्छी है। मामा आइया है। बहुत अच्छी है, आप लोग अंदर आओ ना, मैं बताती हूँ। अरे खाक अच्छी है, बहुत चुगलखोर है। हाँ चुगलखोर। अरे हाँ, आप जो मौसी जी की तारीफ कर रही है ना, आपको मालूम है मौसी आपकी पीठ के पीछे क्या क्या बातें करती है? छी 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 छी, क्या क्या बातें करती है? मैं बता सकती हूँ लेकिन नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, सब कुछ सेंसर हो जाएगा। मामा मामा आप बताइए ना, मैं कट कट कर दूंगा। अच्छा तू कट करेगा? डेफिनेटली। बता बता बता। हसना, तेरे बारे में तो कह रही थी तू एक नंबर की। चन्नो, और तेरे बारे में क्या कह रही थी? कह रही थी कि जब त्रिलोकी बाहर जाता है ना तो तू। हसीना तेरे बारे में, चन्नो तेरे बारे में क्या है? हसीना चन्नो हसी, कट कट करोगे तो बचेगा क्या? पाई पास करो अपनी ये कटा कट। आने दो लाली मौसी को, आज मैं उसका खून पी जाऊंगी। तू सुन, बाद में पीना। मैंने तो मार मार के नीला नहीं किया ना, तो मेरा नाम हसीना नहीं है। सवा 6 बज गए, अब झगड़े करने की जरूरत नहीं है। फूल, मेरी तो जिंदगी बच गई। मुझे पढ़ना नहीं आता। मुझे आज का पेपर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज का पेपर तो मैं सवेरे चोरी करके ट्रिकी के पढ़ने के लिए ले गई थी।